कोविड-19 के बाद से ही रिसेशन का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर ने तो इस बात को और साबित कर दिया। दुनिया के चरमराते अर्थव्यवस्था के बीच कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2023 में रिसेशन आने की बात कही गई। लेकिन हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि वैश्विक मंदी का असर भारत पर उतना नहीं पड़ेगा जितना बाकी देशों पर देखने को मिलेगा। तो क्या कहती है नई रिपोर्ट, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया पर बढ़ते रिसेशन के खतरे के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। भले ही वैश्विक हालातों को देखते हुए IMF ने अपने पूर्वानुमान में कटौती की हो, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि दुनिया के तमाम देशों पर रिसेशन के खतरे के बीच इंडिया सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। IMF ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, लेकिन इंडिया इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। IMF ने बताया कि अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया फिलहाल अच्छे पोजीशन पर है। जिस ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है, अगर वो आता है तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी में भी गिरावट आएगी और मंदी की मार दुनिया के बड़े बड़े देशों पर पड़ेगा, लेकिन उस समय भारत अच्छे पोजीशन पर रहेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के मामले में चीन से भी आगे रहेगा। IMF की माने तो चीन का GDP ग्रोथ जो 2021 में 8.1% था, वो 2022 में गिरकर 3.2% तक जा पहुंचा है। 2023 के लिए भी चीन का एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ 4.4% बताया जा रहा है। इसकी तुलना में 2023 के लिए इंडिया का एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ 6.1% बताया जा रहा है। साफ है कि चीन भारत की तुलना में नीचे रहेगा और रिसेशन के खतरे के बीच ये अनुमान कहीं न कहीं भारत को राहत देने वाला है। IMF ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान में दूसरी बार कटौती की है। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए इसे जुलाई में 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया था और अब एक बार फिर इसमें कटौती की गई है। IMF ने मौजूदा हालातों को देखते हुए इसे 7.4% से कम करते हुए 6% के आसपास कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भी IMF ने यही बताया। इसके साथ ही रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान भी 2021 में 6% की तुलना में 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का अनुमान जताया गया है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरी ओलिवर ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसे अभी और मॉनेटरी टाइटनिंग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी कई देशों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। फिलहाल भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान में भी कटौती करने के साथ दुनिया में बढ़ते रिसेशन के खतरे को लेकर भी IMF ने चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह का डेटा सामने आ रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही दुनिया में रिसेशन दस्तक दे सकता है। और ये बात केवल IMF ने ही नहीं कही बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी इससे पहले ऐसा कहा था। तो रिसेशन के खतरे के बीच भारत के लिए कहीं न कहीं ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत कैसे अपनी इकोनॉमी को और अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।